दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको आज की भी जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों कल की वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको रीज़न बताया था क्यों वीडियो नहीं आई और आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट आए कि मतलब आपने दिल खुश ही कर दिया। रियलिटी में आपकी तरफ से जो प्यार और सपोर्ट मिलता है उसकी वजह से ही मैं डेली वीडियो अपलोड करने के लिए एकदम तैयार रहता हूँ। अदरवाइज़ आप जानते हैं कितने ज़्यादा मतलब लोड रहता है, पर उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल टाइम निकाल कर आता हूँ और आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। तो फिलहाल इसी तरीके से कमेंट करते रही है क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट को देखकर। बहुत अच्छा लगा मुझे कल की वीडियो पर कमेंट पढ़कर कि आप लोगों का जो सपोर्ट है वो हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से आपके लिए जो वीडियो है वो हमेशा इसी तरीके से आपके लिए मिलती ही रहेगी। तो फिलहाल दोस्तों आज की जो वीडियो है उसको भी शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि पर आपको इसी तरीके से जो डेली टेक वीडियोस है जो डेली रेल न्यूज़ की वीडियोस है वो मिलती रहती हैं। थोड़ा सा मिक्स हो गया तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आती है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। ये ट्रेन जो कि 029/19 और 029/20 ट्रेन नंबर के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। ये ट्रेन 9 नवंबर से चलने वाली है। इसकी जो बुकिंग है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि किसान आंदोलन से पहले भी इसको अप्रूव कर दिया गया था, बट इसकी बुकिंग शुरू नहीं की गई थी क्योंकि किसान आंदोलन हो गया। अभी फिलहाल 4 नवंबर तक किसान आंदोलन है, अब देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। हालांकि स्थिति काफी गंभीर है, बट देखते हैं इन रियल हमें क्या देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट निकल कर आती है, आप इसमें बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाना चाह रहे थे तो ये ट्रेन आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसके लिए जो बुकिंग है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि ट्रेन कैंसिल भी हो सकती है एंड टाइम पर, तो आप इसके लिए भी तैयार रहना। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है माथेरन टॉय ट्रेन को लेकर। माथेरन टॉय ट्रेन को 4 नवंबर से फिर से शुरू किया जा रहा है। ये आपको अमन लॉज और माथेरन हिल के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो देगी, तो आप इसके भी जो फायदा है वो ले सकते हैं। किस किस तरीके से किस किस टाइम पर ट्रेन चलेगी सब कुछ मैंने लिख दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर जरूर से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप फाइनली जो फायदा है वो ले सकते हैं माथेरन हिल जाकर। ये जो ट्रेन है ये ट्रेन कोरोना से पहले चलती थी, काफी ज्यादा इसका अच्छा फीडबैक रहता है, तो इसको फिर से दोबारा से शुरू किया जा रहा है। जिस तरीके से कालका शिमला पे हमें ट्रेन देखने को मिली, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छी बात हम कह सकते हैं। हालांकि बताया गया है कि भैया यहाँ पर अगर आप आओ तो जो कोरोना वायरस के जितने भी मतलब प्रोटोकॉल्स हैं COVID-19 के वो आप फॉलो करें, अदरवाइज आपके ऊपर जो फाइन वगैरह है वो लग सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है एक ट्रेन को लेकर जो कि चलती थी पहले आनंद विहार और हावड़ा के बीच में। तो इस ट्रेन को एक्सटेंड की मांग की गई थी और इसको पहले अप्रूव कर दिया गया था बाड़मेर तक। तो ये ट्रेन आपको अब 029/23 और 029/24 ट्रेन नंबर के साथ देखने को मिल जाएगी और ये फाइनली 6 नवंबर को हावड़ा से चलने वाली है। और ये ट्रेन हावड़ा से लेकर बाड़मेर तक की जो कनेक्टिविटी है वो देने वाली है। हालांकि ये ट्रेन फेस्टिवल स्पेशल रहने वाली है, जिसकी वजह से इसका जो किराया है वो महंगा रहेगा, तो आप इस बात का जो ध्यान है वो रख सकते हैं। तो फाइनली इस ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो आपको अब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, मेडचल रेलवे स्टेशन से लेकर। मेडचल रेलवे स्टेशन पर 2 कोच खड़े थे और इनमें अचानक से जो आग है वो लग जाती है। हालांकि आग लगने के बाद में इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जाता है और काबू भी ठीक तरीके से पा लिया जाता है, जिसकी वजह से कोई बड़ा जो एक्सीडेंट है वो तो हमें नहीं देखने को मिला, जो कि एक सबसे अच्छी बात थी। बट अभी फिलहाल शुरुआती जांच में पता चलता है कि ये जो आग थी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो हमें आने वाले समय में पता चले ही गया, जब ये इसकी जो जाँच है वो ठीक तरीके से की जाएगी, मतलब जो इसकी पूरी तरीके से जाँच होगी उसके बाद में ही क्लियर हो पाएगा कि शॉर्ट सर्किट वजह थी या फिर कुछ और वजह थी। बट ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है कि ट्रेन के 2 कोच खड़े थे जिनमें जो अचानक थी वो आग लग गई, जिसकी वजह से ये सब कुछ हमें देखने को मिला। बस अच्छी बात ये थी कि अभी आप जानते हैं पैसेंजर्स का इतना ज़्यादा फुटफॉल तो है नहीं, अगर ज़्यादा पैसेंजर्स होते उस समय पर उस जगह पर तो कुछ बड़ा भयानक भी हमें देखने को मिल सकता था। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है ग्वालियर से लेकर। ग्वालियर पर अब आपको देखने को मिल जाएगी मास्क चेकिंग अभियान, क्योंकि RPF को आदेश दे दिया गया है और बेसिकली आपको अब ये ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगा। तो ग्वालियर पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर RPF बिल्कुल सतर्क बैठी है। अगर आपको कोई भी मतलब उनको कोई भी ऐसा इंसान देखने को मिलता है जो मास्क नहीं लगाया हुआ होता या फिर मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया होता, तो उस पर जो जुर्माना है वो तुरंत किया जा रहा है। साथ ही साथ हो सकता है कुछ धाराओं के तहत उस पर जो केस है वो भी कर दिया जाए, तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि इस समय इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप जानते हैं कोरोना वायरस के जो केस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते जो सुविधा जो सेफ्टी वगैरह उसको ध्यान में रखते हुए ये जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। तो आप अगर जाते हैं ट्रैवल करते हैं तो आराम से कीजिएगा, बस जो कोरोना
वायरस के प्रोटोकॉल से उनको ठीक से पालन कीजिएगा, जिससे कि आपको जो परेशानी है वो आपके पूरे यात्रा के दौरान ना हो। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं चक्रधरपुर डिवीजन से लेकर। चक्रधरपुर डिवीजन ने फाइनली फिर से टॉप कर दिया है। अक्टूबर में भी सबसे ज्यादा जो माल की लोडिंग है वो यहाँ पर हुई है, तो माल लोडिंग में फिर से अक्टूबर में नंबर वन पर रहा है सभी डिवीजन में, जितनी भी डिवीजन है पूरे भारत में। तो ये एक अपडेट निकल कर आती है चक्रधरपुर डिवीजन को लेकर। इसने टोटल में आके 12.71 मेट्रिक टन लोडिंग की है, जो कि काफी अच्छी बात है, जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा कमाई भी हुई है। तो चक्रधरपुर डिवीजन काफी समय से नंबर वन पर आ रही है और अभी फिर से ये नंबर वन पर ही हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है बाराबंकी से लेकर। बाराबंकी जंक्शन पर DRM के द्वारा इंस्पेक्शन किए गए और ये जो इंस्पेक्शन था एक अचानक वाला था, इसमें कोई भी पहले से प्री प्लान नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा जो खामियां वो देखने को मिली। तो फिलहाल DRM जो थे वो काफी ज्यादा नाराज हुए इन सबको देखते हुए और इनको तुरंत ठीक करने का जो आदेश है वो दिया गया है। प्लेटफॉर्म पर जो टंकी वगैरह थी पानी की वो भी ठीक तरीके से नहीं थी, नल भी टूटा हुआ मिला और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल चल रहे हैं वो लिखे हुए मिलते हैं हमें, वो भी जो पोस्टर थे वो ठीक तरीके से नहीं लगे हुए थे। तो ये काफी ज्यादा जो परेशानी वाली बात थी कि भाई इतने ज्यादा जो काम थे वो ठीक तरीके से नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से DRM ने कहा है कि भाई ठीक तरीके से इन काम को किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए, जिसकी वजह से सभी जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनको जो सुविधा है वो रहे, क्योंकि अभी यहाँ से आपको काफी ज्यादा जो ट्रेन है वो देखने को मिल जाती है। तो ये काफी अच्छी बात थी कि इस तरीके जो अचानक वाले इंस्पेक्शन है वो होते रहे, जिसकी वजह से जो ग्राउंड रिपोर्ट है जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो देखने को मिले, क्योंकि आप जानते हैं अगर पहले से पता होता है तो जो तैयारियां हैं वो कर ली जाती हैं, जिसकी वजह से जो कमियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखती, बट उसके बाद में आप जानते हैं क्या हाल होते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा हमें ऐसा देखने को मिल ही जाता है। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं किसान आंदोलन को लेकर। जैसे कि हम सब जानते हैं जो किसान आंदोलन है वो अभी तक चल रहा है, तो जिसके चलते फिरोजपुर डिवीजन को अब तक 240 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो हो चुका है और इसी तरीके से अंबाला डिवीजन को अभी तक 175 यानी कि 175 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो हो चुका है। तो ये एक काफी बड़ी बात है और इसी के चलते भी बताया जा रहा है कि यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन है उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो माल है वो नहीं आ रहा तो वो क्या बेचें, तो ओवरऑल सबकी जो साइकिल है वो रुक गई है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं एक पूरी चैन बनी होती है और ये सारी चैन अभी इस समय टूट गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और सभी को बहुत ज़्यादा जो लॉस है वो हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं कालका और शिमला रेल सेक्शन से लेकर। इस सेक्शन पर जो स्टीम इंजन है उसका जो ट्रायल से वो लिए गए, तो उसके चलते शिमला से लेकर कैथली घाट के बीच में जो स्टीम इंजन है उसके जो ट्रायल है वो लिए गए हैं, क्योंकि जो स्टीम इंजन है उसकी स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाई जाती है हर साल, तो उसी के चलते जो अभी तैयारियाँ हैं वो हो रही हैं, जिसके चलते बेसिकली इन जो स्टीम ट्रेन चलती है उसका किराया थोड़ा ज़्यादा रहता है और लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अब स्टीम इंजन तो बचे नहीं, तो इस तरीके की चीज़ें लोगों को देखना पसंद है। तो फिलहाल ये अपडेट निकल कर आती है यहाँ पर जो ट्रायल है वो लिए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं किसान आंदोलन को ही लेकर। किसान आंदोलन काफी तेजी से चल रहा था और अभी भी चल रहा है, लगभग 35 डेज हो चुके हैं और अभी तक जो किसान आंदोलन है वो चल रहा है। तो अभी बताया जाता है कि बहुत कम चांस है, लगभग आप ये मानकर चलिए कि लगभग 80-90% चांस है कि ट्रेन नहीं चले 4 नवंबर के बाद भी, बाकी अगर चल जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी कि आपको जो सुविधा है वो मिल जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और अब तो आप जानते हैं राजस्थान भी काफी ज्यादा ट्रेनें नहीं जा पा रही है, तो बहुत ज्यादा ट्रेनों की मतलब चली थी फिर बंद हो गई, तो कुछ इस तरीके का सीन चल रहा है जिसकी वजह से लोग आराम से आ नहीं पा रहे और नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानियां क्रिएट हो रही हैं। अब देखते हैं इसका क्या हल निकलता है, बट अगर आप ट्रेन का बुक करा रहे हैं टिकट, क्योंकि बुकिंग तो हो रही है, तो अगर आप बुकिंग करा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें ट्रेन 4 नवंबर के बाद में भी कैंसिल हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, इस बात के लिए आप पहले से प्लान करके रखें जिससे आपको जो परेशानी है वो ना हो। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं 096-02 ट्रेन को लेकर। बेसिकली ये ट्रेन हम जानते हैं कौन सी है, जो कि उदयपुर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में ऑपरेट होने वाली ट्रेन। तो ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से उदयपुर सिटी जा रही थी, तो ये ट्रेन जब किशनगंज पहुंचती है तो यहाँ पर एकदम से जो RPF है वो चेकिंग करती है जनरल कोच में, बेसिकली अभी सेकंड सीटिंग है, तो इस कोच में चेकिंग के दौरान उनको मिलती हैं 13 शराब की बोतलें। बेसिकली हो सकता था कि स्मगलिंग वगैरह हो रही है, तो ये एक मतलब बताया जाता है कि किसी के पास से बरामद नहीं हुई है, ऐसे ही रखी गई थी, मतलब रखी थी एक तरफ, तो वो बरामद हुई है, 13 बोतल वहाँ से मिली है। तो ये अपडेट निकल कर आती है, अब ये किसकी है किसकी नहीं है वो तो पता चल नहीं पाएगा, अब ये हो सकता है कि कोई इधर से उधर ले जा रहा हो,
तो ये अपडेट निकल कर आती है फिलहाल इस ट्रेन को लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है बिंदकी रोड रेलवे स्टेशन से लेकर। बिंदकी रोड रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी गुजर रही थी, तो फिलहाल मालगाड़ी जब गुजर रही थी तो उसका जो एक गेट था वो खुला था। जो वो गेट खुला था वो प्लेटफॉर्म से टकरा गया। हालांकि जो आरपीएफ थे उन्होंने इस बात को देख लिया और तुरंत ही उन्होंने लोको पायलट से कम्युनिकेट किया, मतलब पूरा कम्युनिकेशन हुआ, जिसके बाद में लोको पायलट को बताया गया कि आपको अभी ट्रेन रोकनी है। और फिर उसके बाद में जो दरवाजा था वो बंद किया गया, और जब दरवाजा बंद हुआ उसी के बाद में ट्रेन को आगे रवाना किया गया। तो इस तरीके से जो गेट है वो खुले रह रहे हैं मालगाड़ी के। तो अगर आप रेल फैनिंग वगैरह करते हैं तो आप थोड़ा दूर से ही कीजिएगा, क्योंकि इस समय कोई भी भरोसा नहीं है। मालगाड़ी का गेट अगर खुला हुआ हुआ तो कुछ भी बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है पैसेंजर ट्रेन को लेकर। पैसेंजर ट्रेनें हम जानते हैं नहीं चल रही हैं और लोगों की काफ़ी समय से डिमांड रह रही है। तो अभी मुरादाबाद डिवीजन का यह केस है कि मुरादाबाद डिवीजन की कुछ पैसेंजर ट्रेनें जो चलती हैं उनको एनटीएस पर जब ट्रैक किया गया तो उनको दिखा रहा था कि ट्रेन यट टू स्टार्ट, मतलब ट्रेन कैंसिल नहीं दिखा रहा था कि ट्रेन चलेगी ऐसा दिखा रहा था, जिसकी वजह से लोगों में एक अफवाह क्रिएट हो गई और लोगों ने भैया सब फिर पूछताछ वगैरह शुरू कर दी। तो बहुत समय बाद लगभग ऐसे 7 या 8 घंटे बाद में फिर अपडेट किया गया जो ट्रेन है वो कैंसिल है। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि अफवाह फैल गई कि सबसे मुरादाबाद डिवीज़न में कई ट्रेनों को लेकर ये चलने वाली हैं। और मैंने भी मतलब लगभग ये घटना आप समझ सकते हैं 1 या 2 तारीख के आसपास की है, जब मैं खुद स्पॉट कर रहा था लगभग रात के 2 या 3 बजे के आसपास की बात है। तो ट्रेन दिखा रहा था कि ट्रेन चलने वाली है, यट टू स्टार्ट दिखा रहा था, ट्रेन स्पॉट करने पर कैंसिल नहीं दिखा रहा था। तो उस तरीके से जो घटना है वो हुई है। तो ये अपडेट निकल कर आती है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने पैसेंजर ट्रेन स्पॉट की एनटीएस पर खास तौर पर और उसको दिखाया गया यट टू स्टार्ट, बाद में बहुत लगभग 7-8 घंटे बाद में दिखाया कैंसिल, तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है नई दिल्ली और राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच में चल रही क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। इस क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन को भी जो कैंसिल वो कर दिया गया है। फिलहाल कैंसिल करने का रीजन बताया जाता है कि ट्रेन में जो ऑक्यूपेंसी है वो बिल्कुल भी नहीं है, लगभग 40% सीटें ही भर पा रही है और 60% खाली है। तो इस ट्रेन को चलाकर रेलवे को बिल्कुल भी जो फायदा है वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इस ट्रेन को जो कैंसिल करने का निर्णय है वो ले लिया गया है। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आती है संगम एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। संगम एक्सप्रेस ट्रेन जो कि हम जानते हैं चलती है मेरठ से लेकर इलाहाबाद, बेसिकली प्रयागराज के बीच में। तो ये जो ट्रेन है आपको जल्द ही हो सकता है एलएचबी कोच के साथ देखने को मिल जाए। इसके लिए जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और एलएचबी जब ये होगी तो आपको चलती हुई भी दिख जाएगी। हालांकि जो ऑलरेडी लिंक चलती है बेसिकली जो मेरठ से चलती है नौचंदी, उसके अब चांस कम लग रहे हैं क्योंकि संगम के चांस ज़्यादा लग रहे हैं कि संगम चल सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बता ही दूंगा आने वाले समय में, जो अपडेट देता हूँ उसी में ही। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।